जो भी इच्छा करे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो महात्माओं के पास जाकर के इस दौलत को ले आए, इस संपत्ति को ले ले। ये सबकी है, किसी एक की नहीं है, और जो इसमें भाव भक्ति करेगा उसको ये दौलत मिल जाएगी। भक्ति नाम किसका है? आज्ञा का पालन, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति नाम कोई तस्वीर देखने का नहीं। तुमने मंदिर में मूर्त देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं, या तुमने गाना गा लिया, कोई प्रार्थना कर ली, इसका नाम भक्ति नहीं। जो महापुरुष आदेश दे उसका तुम पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति। यह है भक्ति। हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते। लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। तो भक्ति नाम है आदेश का पालन। जो आदेश का पालन कर लेगा वो तो महात्मा बड़े दूर के देखने वाले होते हैं। वो धीरे 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 चारों तरफ से जाल डालकर और ऐसा तुमको फंसा लेंगे। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से फिर फंसा लेंगे। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं, उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा, और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता, इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिसमें जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही, जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी, उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी, और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान। वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं, और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला, और किस तरह से हिसाब करता है, और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में
ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर, एक घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद, इस तरह से एक घंटा तो रिजर्व कर लो।